स्वागत है आपका विषय इतिहास पार्ट 3 में। नगरीय सभ्यता का आरंभ और हड़प्पा सभ्यता में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए थे। अब उसके बाद से आज बारी है लोगों के सामाजिक जीवन की। ठीक है, तो उस समय के सामाजिक जीवन ये थे कि लोग गेहूँ चावल सब्जियाँ आदि खाते थे खाने में, और मांस मछली का भी अक्सर प्रयोग करते थे। पुरुष दो कपड़े का इस्तेमाल करते थे, ऊपरी वस्त्र में एक शॉल रहता था जिसे बाएं कंधे पर रखते थे और धोती का भी प्रयोग करते थे। महिलाएं कमर में कमरधनी बांध पहनती थी और एक वस्त्र पहनती थी। आमतौर पर सूती कपड़ों का प्रयोग ये लोग करते थे और शायद थोड़ा बहुत ऊन का भी प्रयोग ये लोग करते थे। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों कान में और बहुत सारे आभूषण पहनते थे, अंगूठी हार इत्यादि पहनते थे। सोने चांदी तांबी और मणियों के बने होते थे। सोने का प्रयोग कम और चांदी का अधिक प्रचलन था उस समय। हड़प्पावासी कर्नाटक से सोना और गुजरात से बहुमूल्य पत्थर लाते थे, प्राप्त करते थे, और कांच से लगी पकी ईंटों से चूड़ियों और बालियों, मनकों और छोटे बर्तनों को भी ये लोग उसमें प्रयोग करते थे। बच्चों के लिए कई प्रकार से खिलौने भी वो लोग मिट्टी के ही बनाते थे। पहिए बनाते थे, पहिए वाली गाड़ी, सीटी और पक्षियों और जानवरों की आकृति वाले बहुत सारे खिलौने बनाए जाते थे उस समय। आर्थिक जीवन में की बारी आई है, तो अब जानेंगे कि इनका व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। हड़प्पा के लोग गेहूं, दाल, चावल और तिल, सरसों, अलसी और मटर का प्रयोग ज़्यादा करते थे, और खेत जोतने के लिए पहली बार हल का प्रयोग किया था इन्होंने। चूंकि इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती थी, इसलिए एकत्र किए गए जल से ही सिंचाई इत्यादि ये लोग करते थे। और इस बात से सिद्ध होते हैं कि ये लोग वहाँ पर बहुत सारी मात्रा में चरखे और तकली मिले, जिसे मालूम चलता है कि ये लोग विनाई की कला में भी निपुण थे। और बहुत सारी मूर्ति भी मिली जो सौ लड़े हुए पुरुष को दिखाया गया था जिसमें। और देखिए कि भेड़, बैल और भैंस, बकरी इत्यादि जानवरों को ये लोग पालतू बनाते थे, और गाय को एक उपयोगी पशु मानते थे वे लोग। मछली पकड़ते थे और हिरण आदि जंगली पशुओं का भी शिकार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दक्षिण और पूर्वी भाग के एशिया के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, और जल मार्ग, स्थल मार्ग दोनों से वो लोग व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी मुहरें जो थी वो मेसोपोटामिया के पास भी पाई गई थी। अब आती है बारी की कला और शिल्प कला कैसी थी। तो मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली जो टखनों के नीचे उसके पैर नहीं थे, पत्थरों और पत्थर की एक मूर्ति भी मिली जो दाढ़ी वाले भद्र पुरुष की थी और आंखें आधी मुदी हुई, और बर्तनों पे भी पुरुषों और जानवरों पक्षियों का चित्र बना हुआ दिखाई देता था मिला, और वो सादे पात्र होते थे। ठीक है, दैनिक उपयोग के वो सादे पात्र होते थे, उजले सफ़ेद, जिन पात्रों में वो लोग बहुत सारे बहुमूल्य वस्तुएं ही रखते थे। पॉलिश कर दिया जाता था, उसमें काले रंग से बेल बूटे भी बनाए जाते थे, डिज़ाइन किए जाते थे। अब मोहरों की बारी आती है, तो 2000 से अधिक मोहरें खोजी गई यहाँ पे मिली, और चौकोर और पक्की ईटी के सिलखंडी से निर्मित होती थी मोहरें। ठीक है, इसमें मोहर में पशुपति भगवान की मूर्ति का मोहर बनाया हुआ था मोहरे के ऊपर, और भगवान शिव की तरह दिखाई देने वाला एक व्यक्ति जो था वो यौगिक मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति को दिखाया गया इस मोहर पे, और देवताओं और जानवरों से घिरा हुआ भी ये मोहर था। कुछ मोहर पर जानवरों की आकृतियाँ, सांड, भैंस और बाघ, हाथी आदि के बने हुए मिले, और ऐसा मानना है कि मोहरे जो हैं हमारे धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डालती हैं, और आकृति में हम लोग सकल सूरत और पहनावा आभूषण के बारे में मोहरे ही बता देंगी, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाले वाले माल जो होते थे उससे भरे थैले जो होते थे उस पर इस मोहरों को अंकित कर दिया जाता था। इस तरह से हम मोहरों की बात आ गई। तो हमने ये चार टॉपिक आप पढ़ लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित हुए। धन्यवाद।